अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम टू वुमेंस कॉर्नर। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं आलू के चपली कबाब। आप इसे मुख्तलिफ तरीक़ों से तैयार कर सकते हैं, तो आज हम जिस तरीके से तैयार कर रहे हैं उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मेरे पास हैं 3 अदद आलू जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। हाफ हम इसमें शिमला मिर्च इस्तेमाल करेंगे, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। 2 अदद हरी मिर्चें, 1/2 कप हरा धनिया, ये मेरे पास है 2 टेबलस्पून साबुत धनिया जिसको मैंने रोस्ट करके मोटा मोटा मैंने इसे पीस लिया है, 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, एक छोटे साइज़ का प्याज लेके इसको भी मैंने बारीक काट लिया है, 1/2 टेबलस्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ले लिया है कुटी हुई लाल मिर्च। नमक टेस्ट के मुताबिक लेंगे, मेरे पास है 1/2 टेबल स्पून, और 2 अदद मैंने लहसुन के जवे लेके इनको मैंने बारीक काट लिया है। सबसे पहले हमारे पास जो आलू हैं इनको हम मैश करेंगे, आप हाथ की मदद से कर लें तो फिर ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं। मोटा मोटा मैश करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन, साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरी मिर्च, और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च, प्याज, लाल मिर्च पाउडर, साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे धनिया, और साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे नमक, और साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर। और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने जो सबसे पहले मिर्च ली थी कुटी हुई, ये हम एक बाउल के अंदर ऐड करेंगे, और साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे ये धनिया, इनको अब हम मिक्स करेंगे। इनको आप मिक्स करके अच्छी तरह से हम साइड पे रखेंगे, और अब हम यहाँ पर बनाएंगे कबाब। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस तरीके से बनाने के बाद अब हमने ये जो मिक्स किया है इसको हम हल्का सा ऊपर से कोट कर देंगे दोनों साइडों से, इस तरीके से कोट करके तमाम को जो है वो हम तैयार करके रख लेंगे। तमाम हमने बना लिए हैं, अब हम इनको फ्राई करेंगे। हम एक पैन के अंदर ऑयल गरम करेंगे, और यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे जो हमने कबाब बनाए हैं। अब हम इनको एक साइड से फ्राई कर लेंगे। एक साइड से फ्राई करने के बाद अब हम इनकी जो साइड हैं वो चेंज कर लेंगे, और आपने धीमी आंच पे इनको फ्राई करना है। इस तरीके से तमाम को चेंज करके और जो आंच है वो हल्की पे हम इन्हें कुक करेंगे। अब इस साइड से भी हम इनको फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से ये फ्राई हो गई हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे, और जो बाकी हैं उनको भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी आलू के चपली कबाब बनके तैयार हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our Thank you.